तो विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं, क्या हलचल नजर आ रही है? गंभीरता से जो बच्चों ने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसको देख रहे हैं, क्योंकि ये हमारा आगे आने वाला भविष्य है। प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि जो 25 साल है भारत के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आज की जेनरेशन है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट्स को उठा के देख रहे हैं, स्टार्टअप्स ने अपने प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री जो है बहुत गंभीरता से इन चीज़ों को समझ रहे हैं। और यहाँ पर उनको फोटो भेंट की गई है उनकी, प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी जी की, और वो बच्चों से बात कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस जान रहे हैं, उनका जो इनोवेशन है, उनका जो प्रोजेक्ट है उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने जब यहाँ पर आए उससे पहले बच्चों में एक अजीब सा एक्साइटमेंट था, क्योंकि वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमने कितना अचीव किया है और हम में कितना यंग टैलेंट है, और गवर्नमेंट की तरफ से क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई हैं, चाहे वो अटल टिंकरिंग लैब के जरिए हो या फिर वो और स्टार्टअप्स के जरिए हो। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने जो छोटे बच्चों के साथ बातचीत करी वो देखने लायक था। छोटे बच्चे बड़े मासूमियत से बता रहे थे क्या वो ड्रॉइंग बना रहे हैं, किस तरह से वो उनको बालवाड़ी के अंदर अच्छा लग रहा है, और प्रधानमंत्री भी बच्चों के साथ बातचीत करके बिल्कुल बच्चा बन गए और उनको एक अजीब अच्छा लग रहा था किस तरह से बच्चे छोटे छोटे उनके आसपास खेल रहे थे और किस तरह से बच्चों ने खेल कर उनको बताया एक आदर्श बालवाटिका कैसी होनी चाहिए, किस तरह का माहौल उसमें होना चाहिए, खेल खेल के साथ कैसे पढ़ाई का माहौल बनाया जाए, किस तरह से बच्चों को क्लासरूम के अंदर बैठने के लिए प्रेरित किया जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, और प्रधानमंत्री हर चीज़ को बहुत गौर से सुन रहे हैं, क्योंकि एग्जीबिशन में 200 से ज़्यादा एग्जिबिट्स ने अपना शोकेस किया है। और प्रधानमंत्री का जो सबसे पहले स्वागत हुआ गान के साथ, उसको भी प्रधानमंत्री ने बड़े गौर से सुना, और बच्चों के साथ ख़ास तौर से उनका इंटरेक्शन देखते ही बनता था। बच्चे जैसे प्रधानमंत्री उनके एग्जिबिट एरिया में आए तो वो एकदम से एक्साइटेड हो गए बच्चे। कुछ बच्चों ने प्रधानमंत्री के पैर छुए आदरपूर्वक, जैसे भारतीय हमारी संस्कृति हमारी परंपरा है कि हम अपने बड़ों के पैर छूते हैं, और फिर उन्होंने अपने ड्राइंग्स दिखाना उनको शुरू किया। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ये जो शॉर्ट्स हैं हम आपको दिखा रहे हैं, ये बालवाटिका क्या शॉर्ट्स हैं, मेरी बालवाटिका कैसी होनी चाहिए, और बच्चे कितने खुश नज़र आ रहे हैं। ये क्लासरूम के अंदर अगर आप देखेंगे बच्चे बोर हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, लेकिन इस बालवाटिका के अंदर बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इसमें खेल और पढ़ाई का मिक्सचर दिखाया गया है। और यही नई शिक्षा नीति बताती है कि कैसे हमें अपने बच्चों को जो हमारे आने वाले कल हैं उनको तैयार करना है, कल के इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनने के लिए, कल के रिसर्च स्कॉलर्स बनने के लिए, क्योंकि ये जो हमारा भारत का सपना है विश्व गुरु बनने का, उसमें यही लोग होंगे जो अहम भूमिका निभाएंगे, और यही सब यहाँ पर दिखाया गया है। गौरव, बिल्कुल विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जुड़ाव बच्चों से हमेशा से रहा है, उनके बेहतर भविष्य को लेकर वो चिंतित भी नजर आए हैं और हमेशा मार्गदर्शक भी वो बनकर सामने उभर कर आए हैं। ऐसे में शिक्षा नीतियों में जो बदलाव किया गया है वो आने वाले समय में किस तरह से बड़ा बदलाव, एक गेम चेंजर साबित होने वाला है? देखिए गौरव, ये तीसरा समागम है जो हम मना रहे हैं, और भारत मंडपम के अंदर ये मनाया जा रहा है, और भारत मंडपम पूरी दुनिया में स्थापित हो चुका है कि किस तरह से जो हमारी मोदी सरकार है उनका क्या विजन है, उसका एक एग्जांपल भारत मंडपम है, जो हाई लेवल का आर्किटेक्चर है, ये पूरा मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया है, और ये दिखाता है कि हमारा हमारे देश में किस तरह का टैलेंट है। और जब हम यहाँ पर एग्जीबिशन कर रहे हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि ये तीसरी एनिवर्सरी है, और हम पहली 2020 से लेकर 2023 का जो हमारा सफ़र है वो किस तरह का रहा है। मेरी कुछ देर पहले बातचीत हुई है AICTE के चेयरमैन के साथ, और उन्होंने बताया कि जो 3 साल रहे वो बहुत तेज़ी से हमने आगे बढ़े हैं अपने विजन को लेकर, जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को शीर्ष पर लेकर जाना है। तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो इसमें एक अहम रोल निभाने वाली है, ना सिर्फ हम पढ़ाई के बाद नौकरी ढूंढने वाले बने,
बल्कि हम जॉब गिवर्स भी बने और उसमें स्टार्टअप्स का अहम रोल होने वाला है। लेकिन स्टार्टअप तक पहुंचने के लिए, उस एज ग्रुप तक पहुंचने के लिए हमारी शुरुआत होगी प्ले ग्रुप से। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर किस तरह से छोटा बच्चा जो है वो प्रधानमंत्री को दिखा रहा है, और ये एक यंगस्टर है जो अपने इनोवेशन के बारे में प्रधानमंत्री को बता रहा है। और ये जो हमारे देश की इंस्पिरेशन हम मानते हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद, वो उन्होंने किस तरह से यंग जनरेशन को इंस्पायर किया, और उनका भी एग्जीबिशन के अंदर उनकी तस्वीर लगी है। और ये बच्चे जो हैं वो अपने अपने इनोवेशन के बारे में बता रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट उन्होंने बताए हैं, हाइड्रल पावर हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे मॉडर्न इक्विपमेंट्स हो, क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अहम रोल प्ले करने वाला।